करनाल के मॉडल टाउन एरिया में सड़क के नवीनीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता के करकमलों से सड़क के नवीनीकरण के कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। उन्होंने नारियल तोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि लॉकडाउन के चलते सरकार की ओर से जारी हिदायतों के बीच सरकार जरूरी समझी जाने वाले कार्यों की अनुमति दे रही है ताकि जनता को असुविधा ना हो। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस बात का श्रेय देते हुए कहा कि सरकार जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के लिए अपील कर रही है। लोगों को सरकार की बातों पर ध्यान देकर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना अब तक लाइलाज बीमारी है और सावधानी ही इसका एकमात्र बचाव है। सभी नागरिक संयम से काम लें और आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घर से बाहर निकले। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। यहां हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते शहर के विकास कार्यों में धीमी गति आ गई थी, परंतु लॉकडाउन 4 के अंतर्गत सरकार द्वारा विकास कार्यों को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत आए दिन करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता के नेतृत्व में किसी ना किसी सड़क के नवीनीकरण का कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है ताकि शहर में विकास कार्य जारी रहे और स्मार्ट सिटी बनने की ओर कदम आगे बढ़ा जा सके। मॉडल टाउन की पीएमबी के सामने से मेन रोड का आज नवीनीकरण का काम शुरू हुआ। इसमें काफ़ी सारे गड्ढे थे और मेन मार्केट यहाँ पर है। लगभग 800 मीटर की ये सड़क है और एक दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हमने लॉकडाउन के तहत की है जो शहर को ठीक ठाक व्यवस्थित रखने के लिए आगे इस टेम्परेचर में मुझे लगता है कि सड़कें अच्छी बन पाएगी। तभी ये सड़कों का काम इस वैश्विक महामारी में भी शुरू किया है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। और हमारे यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि के तौर पे गिनी वीर भी यहाँ पर है, शुभम है, बाकी सब ने भी प्रयास किया कि हर तरह से हर व्यवस्था में, चाहे स्वच्छता है, चाहे व्यवस्था है, चाहे सेवा है, हर तरह से हर किसी ने प्रयास किया है। मुझे लगता है कि करनाल इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय समय पर हमें सहयोग मिलता रहता है, उनके आदेश मिलते रहते हैं जिन पर हम चलते हुए करनाल में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बना पाए हैं। और विश्वास है कि आने वाले समय में इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी से भी जीत पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। मैम, कितनी मोटी जो परत है, इस पर लेयर जो है वो चढ़ रही है और कितनी अवधि होगी इसके लिए? लगभग ये 3 इंच की इसमें कारपेटिंग हो जाएगी। इसमें मिलिंग हुई है पहले सड़क को, जो मिलिंग करके उसको एक सार किया गया है। जहाँ खड्डे होंगे वो खड्डे भरे जाएंगे और इसके बाद इसको कारपेट करके पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा ताकि इसमें अच्छे से कारपेट होकर ये अच्छे से ज़्यादा समय तक चल सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.